सुश्री बांसुरी स्वराज। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है। इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। CAA लेकर आए, जो कहा वो किया। वन रैंक वन पेंशन लाए, जो कहा वो किया। मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र एक दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा का पूरा विश्व COVID-19 की महामारी से जूझ कर निकला है। अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है। इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ युवा शक्ति, दूसरा नारी शक्ति, तीसरा किसान कल्याण और चौथा गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए युवा शक्ति चूकती नहीं है। शिक्षा के पर्याप्त अवसर हुए, इसके लिए मोदी सरकार ने एक दशक में 7 नए IITs, 16 नए IIITs, 7 नए IIMs, 15 IIMs हॉस्पिटल्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस
और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करे हैं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी देश का युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना है। इस जॉब क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो अग्रसर है और आप जैसे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए आप ये देखिए 46 करोड़ युवाओं ने 26 लाख करोड़ रुपए का ऋण आसानी से लिया है। आज देश में 1,81,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं जिसमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd पोजीशन से 63rd पोजीशन पे पहुंचा है और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल 990.97 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया है जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी 667.4110 बिलियन डॉलर्स मात्र पिछले एक दशक में एनडीए की सरकार में आया है। टुडे भारत हैज बिकम अ लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और इस नई दुनिया में माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल, सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए इसके लिए मोदी सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही उद्घाटित कर चुकी है। असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी बन रहा है। वो दिन दूर नहीं अध्यक्ष जी जब चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत विल बी अ ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया। इनके कारण भारत के युवाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। अब हम आते हैं विकसित भारत के दूसरे स्तंभ पर यानी नारी शक्ति। अध्यक्ष जी, हम सब ने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है, लेकिन उस चूल्हे की रोटी के स्वाद के चक्कर में मेरे देश की मातृशक्ति के फेफड़े झुलस जाते हैं। पहले जाती है लकड़ी काटती है या लकड़ी बींधती है, गठरी सर पर लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं चूल्हा सुलगाने में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देके मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से निजात दी। हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक एक को मातृशक्ति ने सिखाई है। आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है। अरे उन चोरी के पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है। लेकिन कितनी अचंभे की बात है अध्यक्ष जी, जिस मातृशक्ति ने देश को बचत सिखाई उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश की मातृशक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बनाया। अध्यक्ष जी, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जिसमें से 56% महिलाओं के खाते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल ऋण जो सैंक्शन हुए हैं उसमें से 69% महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया के तहत अध्यक्ष जी 84% ऋण महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। एनडीए सरकार ने
एक करोड़ लखपति दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के माध्यम से, वो तो पहले ही लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा। अध्यक्ष जी, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी लाए हैं नमो ड्रोन दीदी। मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पायलट बनेंगी। ना केवल इससे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ये देखिए, समाज की सोच में भी अंतर पड़ेगा। इट इज गोइंग टू नॉट ओनली लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो विल इंश्योर ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। नमो ड्रोन दीदी विकसित भारत के दो पहलुओं को छूती है, कृषि कल्याण और महिला शक्ति। महिलाओं का लेकिन वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती हैं। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज की दी हुई ये आंखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। विकसित भारत का अगला स्तंभ है किसान कल्याण। अध्यक्ष जी, एनडीए सरकार के लिए अन्नदाता देवतुल्य है और इसीलिए एनडीए सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले ही वितरित कर दी है। नई सरकार जैसे ही आई, पहला सबसे बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का। एनडीए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी और मत्स्य पालन में आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित करा गया है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई थी। विकसित भारत का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विश्व में सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना साबित हुई है। इसमें 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सामग्री यानी मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करी है। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेड़ी पटरी वालों के बिना अधूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि के तहत 70 लाख से ज्यादा रेड़ी पटरी वाले यानी स्ट्रीट वेंडर्स को 11,000 करोड़ का ऋण बिना गारंटी के मुहैया करवाया है। अध्यक्ष जी, जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि अपनी पक्की एक छत हो। पीएम आवास योजना के तहत एनडीए की सरकार ने इस ख्वाब को हकीकत में बदला है। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान इस देश के गरीब को दिए गए हैं और अब पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया गया है।
आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिला है। लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही स्वर्णिम है। अध्यक्ष जी, एक वक्त आता है हर युवा की जिंदगी में जब उस उम्र के पड़ाव में आपके माँ बाप आपके बच्चे बन जाते हैं और आप अपने माँ बाप के माता पिता। हर युवा को हर वक्त चिंता रहती है माँ बाप के इलाज की। आयुष्मान भारत में 70 बरस के हर वरिष्ठ नागरिक को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इसमें लाभार्थियों की श्रेणी में अब एनडीए की सरकार लाएगी। कितनी राहत की बात है, इस देश का युवा भी अब सांस ले सकता है कि 5 लाख रुपया सालाना माँ बाप की हेल्थ के प्रति सरकार मुहैया करवाने वाली है। पीएम सूर्य घर एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक योजना है जहां पर आपके घरों के छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा को के माध्यम से मुफ्त बिजली बनाई जाएगी। और अध्यक्ष जी, मुफ्त बिजली से भी बेहतर है कि वो जो बची हुई बिजली है, एक्सेस बिजली, आप ग्रिड पर बेचकर एक नई इनकम का सोर्स, एक नया आय का सोर्स भी होगा। लेकिन मोदी सरकार अलग है अध्यक्ष जी, केवल नीति निर्माण ही नहीं करती, केवल योजनाएं ही नहीं बनाती, केवल उन योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंचाती, लेकिन वो लाभ सुनिश्चित हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकालती है। अध्यक्ष जी, मोदी की गारंटी की गाड़ी आपके दरवाजे आती है, जनता के दरवाजे आती है। सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे हैं। आपको आधार कार्ड बनाना है, काउंटर वही है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वही है। आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी सरकार सुनिश्चित करती है। एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार। अध्यक्ष जी, सरकारें आईं और सरकारें गईं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा 25 करोड़ लोगों को मल्टीडिमेंशनल गरीबी की रेखा से उभार। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं और खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूं कि आज का दिन 1 जुलाई हम वकीलों की फ्रेटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे। पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा। क्योंकि अध्यक्ष जी, जब कोई ऐसा कानून विलायती हुकूमत बनाती है तो उसका उद्देश्य न्याय नहीं होता, उसका उद्देश्य दमन होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा, न्याय को प्राथमिकता देगी। और हमारे यहाँ कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वो क्रिमिनल सिस्टम होगा लॉज का जो एक एक्सपीडियंसी लाएगी, एक तेजी लाएगी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कम्युनिटी पेनल्टी पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है एट द हार्ट ऑफ दीज लॉज इज नॉट ओनली डेटरेंस ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट बट ऑल्सो अ सेंस ऑफ रेफॉर्मेशन। इन सभी ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचरिस्टिक पाथ ब्रेकिंग कारणों के कारण ही भारत ने एनडीए की सरकार को तीसरी बार पूरा बहुमत दिया। पर अध्यक्ष जी, विपक्षी गठबंधन ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे कि नारायणी सेना इनके पाले में खड़ी है। पर अध्यक्ष जी, इतना जरूर कहूंगी, कृष्ण तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जैसे कर्मयोगी पर पुनः बरसा है।
विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वयं अक्षौहिणी सेना उनके पास है। अध्यक्ष जी, बहुत चौंकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपातकाल लगाने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसने भारत के संविधान को गला घोटने का अधर्म करा, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसके गठबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करते हैं क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के मोह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मोह से त्रस्त है। अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी, एक बारिश हो गई तो पानी से त्रस्त हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक अकाल पड़ा हुआ है कॉम्पिटेंस का और टैलेंट का। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की सीट को जकड़ कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा विपक्ष जो पॉलिसी पैरालिसिस का अधर्म करता है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस का अधर्म करता है, वो धर्म की बात कर कर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है जब ये सदन इमरजेंसी की रेजोल्यूशन पास करना चाहता है, इमरजेंसी का खंडन करते हुए। अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है, महाभारत में युधिष्ठिर को जब अकर्मण्यता ग्रसित कर गई तो वो पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को सुशासन के कई सूत्र दिए, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत्र था, यतो धर्मस्य ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण हैं, जहाँ कृष्ण हैं वहाँ विजय है। अध्यक्ष जी, धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है। लोकतंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है। 6 दशक में तीसरी बार लोकतंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रतिनिधि का परिचय करवा रहे थे, और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा। अध्यक्ष जी, ये विपक्ष की राजसी मानसिकता को परिलक्षित करता है। अध्यक्ष जी, हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा परमो धर्मो वाले, राष्ट्र सर्वोपरि वाले हैं। हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम माँ भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वर्क एथिक के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी एनडीए की यह सरकार, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ कि ये सदन एकजुट होकर उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ।